बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं खतीजा यूसुफ। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान आज ज़िला बारामूला में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवान को ज़िला के इलाके वानेगाम बाला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इंतज़ामिया ने इलाके में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। कबल अज़ीं इस इलाके में एक हमले में दो भारतीय फ़ौजी और एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया। आखिरी इतला तक फौजी ऑपरेशन जारी था। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने शमाली कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा से दो बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तालिब अहमद शेख और शमीम अहमद नामी नौजवानों को ज़िला के इलाके लादरवान से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नौजवानों की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें मुजाहिद तंजीम कारकुन करार दे दिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जस्टिस संजय धर की सरबराही में कश्मीर हाई कोर्ट के एक बेंच ने कश्मीर वाला के अबूरी एडिटर यशराज शर्मा की उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में पेश की जमानत मंजूर कर ली। एडवोकेट नज़ीर रोंगा ने यशराज शर्मा की तरफ से अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि इनका मुवक्किल राजस्थान का रिहायशी है और मौजूदा सूरत हाल में शोपियाँ की अदालत से रजू करने में खदशात महसूस करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर वाला के चीफ एडिटर फाहद शाह जो इस मुकदमे में शरीक मुलजिम हैं कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट शोपियाँ की अदालत ने पहले ही जमानत पर मंजूर कर ली। उन्होंने ये भी कहा कि इस गैर कानूनी मुकदमे यशराज शर्मा के खिलाफ किसी जुर्म के इर्तकाब को जाहिर नहीं किया गया। अदालत ने मकबूजा कश्मीर के हकाम को नोटिस जारी करते हुए सहाफ़ी यशराज शर्मा की बाद शराइत के साथ अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए भारतीय हिरासत से उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तार ने इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान भारत पर जोर दिया कि वो कश्मीरी आवाम के हकीकी नुमाइंदों को गैर इंसानी और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और बेबुनियाद झूठे मुकदमात में शर्मनाक अदालती कार्रवाई के ज़रिए निशाना बनाने से बाज रहे। उन्होंने एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत की तरफ से गैर इंसानी और गैर कानूनी हिरासत और यासीन मलिक और दूसरे कैदियों के साथ रवा ज़ालमाना रवैये का नोटिस ले और यकीनी बनाए कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहदा और आलमी बरादरी के वादे के मुताबिक अपना हक़ खुदरादियत हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या फिर विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट।